सो व्हाट इज अप गाइस, वाईपीएम व्लॉग्स बैक हियर एंड आज आपको मैं लेके आया हूँ चीपेस्ट मोबाइल मार्केट के अंदर। यहाँ पे मैं आया हूँ M2K मार्केट के अंदर। यहाँ की जो लोकेशन है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आईफोन जियोनी के फोन्स कहाँ पे मिलेंगे, कवर्स में यहाँ पे मिल जाएंगे, जियो के फीचर फोन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ कुछ अब मैं। तो अभी मैं हूँ सेल स्मार्ट कैफे के अंदर एंड ये है शॉप का कार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो भैया सैमसंग एसेट का रेट क्या चल रहा है अभी आपके पास? सैमसंग एसेट का रेट चल रहा है 53,900 एंड इसमें एक अपर मॉडल आता है एसेट प्लस, उसका रेट चल रहा है 61,000। अच्छा, और J7 Pro कितने का है सैमसंग का? सैमसंग J7 Pro कॉस्ट करेगा 20,900। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 काफी फ्लेक्सिबल डिवाइस है, लेटेस्ट लॉन्च है, 67,900 की रेंज में। और S7 भी मिल जाएगा? S7 नहीं, S7 Edge मिल जाएगा आपको। कितने का पड़ेगा? S7 Edge 128GB वेरिएंट मिलेगा आपको 48,900। और 64GB वेरिएंट कितने का मिलेगा? 64GB सर नहीं आता इसमें। अच्छा, आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और iPhone X कब से मिलना शुरू होगा भैया? iPhone X प्री बुकिंग स्टार्ट है, 3rd November को डिलीवरी स्टार्ट है। और Pixel 2 भी मिल जाएगा? Pixel 2 की भी प्री बुकिंग स्टार्ट है अभी। ओके, और बेस्ट फोन कौन सा मिलेगा 10,000 से 20,000 की रेंज में? अभी 10,000 की रेंज में बात करें तो आप जियोमी में एक लेटेस्ट लॉन्च मॉडल है जियोमी X1S। ठीक है, कितने का मिलेगा ये? वो 12,900 की रेंज में, काफी अच्छा मॉडल है। क्या रहा है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3GB की रैम है, 16GB इंटरनल है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। बैटरी एमएच की बात करें तो इसमें 4000mAh बैटरी है। और एक LG Q6 का भी अभी आया है, काफी अच्छा फोन है, इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ है। अच्छा फोन है, Q6 भी मिल जाएगा इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ है एंड काफी अच्छा फोन है। वो 15,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है। ओके, और फीचर्स की बात करें तो उसमें 3GB रैम 32GB इंटरनल के साथ आ रहा है, काफी अच्छा फोन है। और नोकिया के फोन भी मिल जाएंगे, नोकिया 6 वगैरह? बिल्कुल सर मिल जाएंगे। नोकिया 6 की बात करें तो नोकिया 6 ऑनलाइन आता है मार्केट में, आपको नोकिया 8, नोकिया 5, ये वाले कौन से हैं? नोकिया ये नोकिया 3 है एंड दिस वन इज नोकिया 8। नोकिया 3 कितने का पड़ेगा भैया? नोकिया 3 कॉस्ट करेगा आपको 10,000 रुपीज काफी अच्छे 2-3 मॉडल आपको मिल जाएंगे। okay. जैसे J7 Pro की बात करी आपने, उसके ऊपर एक मॉडल आता है C7 Pro और J7 Max, ये 2-3 मॉडल है सैमसंग में जो काफी अच्छे चल रहे हैं इस समय, काफी अच्छे मॉडल चल रहे हैं। okay. जैसे मैंने आपको बताया दिस वन इज C7 Pro एंड दिस इज J7 Pro। ओके, C7 Pro कितने का आ रहा है भैया? C7 Pro 24,900 की रेंज में। ओके, एंड C9? C9 Pro की बात करें तो C9 Pro 30,000 की रेंज में। तो इन सब में वो है फास्ट चार्जिंग? फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं C7 Pro, C9 Pro एंड आल्सो J7 Pro। J7 Pro भी, और J7 Next? J7 Next काफी अच्छा मॉडल है 10,000 to 11,000 की रेंज में। और इनकी शॉप पे मैंने काफी अच्छी चीज नोटिस करी कि इनके पास नोकिया 3310 भी अवेलेबल है, कितने का पड़ेगा भैया? नोकिया 3310 अवेलेबल मिलेगा आपको 3600 का। और ये वाला लाइफ का फोन जियो के साथ में? जियो लाइफ का फोन है ये 5000 की रेंज में। और ओप्पो के फोन मिल जाएंगे? ओप्पो के फोन भी मिल जाएंगे। ओप्पो में बेस्ट फोन कौन सा आ रहा है आपके? ओप्पो का बेस्ट फोन चल रहा है इस समय ओप्पो F3। F3 कितने का है ये? ओप्पो F3 19,000 रुपीज। 19,000 का? यस। ठीक है, और भैया आईफोन की तरफ आए तो कौन सा आईफोन अभी आपके पास मिड रेंज के अंदर है? आईफोन मिड रेंज की रेंज में आईफोन 6 की बात करें तो आईफोन 6 काफी अच्छा चल रहा है। कौन सा वेरिएंट है? आईफोन 6 32GB के साथ है। अच्छा, कितने का है ये? एंड वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है 25,000 रुपीज। अच्छा, और आईफोन 7 प्लस देखे तो? आईफोन 7 प्लस भी 128 32GB दोनों वेरिएंट आते हैं और वो दोनों ही अवेलेबल है। 128GB 63,000 कॉस्ट करता है एंड 32GB कॉस्ट करता है 56,000। और iPhone 8 भी मिल जाएगा? iPhone 8 भी मिल जाएगा। कितने का पड़ेगा? iPhone 8 कॉस्ट करेगा आपको 61,000 रुपीज का, 64GB वेरिएंट के साथ। और भैया MI के फोन्स भी मिल जाएंगे? MI के फोन्स भी मिल जाएंगे सर। ओके, तो पैनासोनिक का एलियोगा भी होगा आपके पास ऐसा देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रिकमेंड करना चाहोगे पैनासोनिक के फोन्स कस्टमर्स को? पैनासोनिक के मिड रेंज में फोन्स आते हैं 5-10 की रेंज में, अगर कम रेंज में चाहिए किसी को, लो बजट फोन चाहिए तो काफी अच्छे आते हैं। ओके, और मोटोरोला के फोन्स भी मिल जाएंगे? मोटोरोला के फोन्स भी आते हैं, मोटोरोला के फोन्स काफी अच्छे चल रहे हैं इस समय। तो G5S मिल जाएगा उनका जो अभी लेटेस्ट फोन आ रहा है? बिल्कुल, लेटेस्ट लॉन्च डिवाइस है मोटो G5S आप देख रहे हो एंड इनकी 3 सीरीज है मोटो G5, G5S एंड G5 प्लस। ओके, काफी अच्छी चल रही है सीरीज। और मुझे लेनोवो का एक फोन आया K8 के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेनोवो K8 भी अवेलेबल है, दिस वन इज लेनोवो K8। ओके, और K8 Note? K8 Note इज ऑनलाइन। ऑनलाइन,
तो यहाँ पे आपको जियो के फोन भी मिल जाएंगे, ये वाला मॉडल नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड मैंने जो अपना जियो फोन लिया है वो भी यहीं से लिया है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं इस शॉप पे अगर आपको जियो फोन चाहिए या बाकी कोई भी फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी आया हूँ इस शॉप पे, ये है यहाँ का कार्ड और एड्रेस इस शॉप का। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मोबाइल के कवर्स, मोबाइल रिपेयर हो जाएंगे, स्क्रीन कार्ड्स मिल जाएंगे, तो ये पूरी शॉप है। और आईपैड्स वगैरह के स्क्रीन कार्ड और कवर्स भी दिख जाएंगे आपको। भैया आईपैड के कवर कितने से स्टार्टिंग है? आईपैड प्रो 500 से। अच्छा, और यहाँ पे स्क्रीन कार्ड्स भी सारे मिल जाएंगे। ट्रिम कितने का भी है? 150 के स्टार्टिंग है। कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो को बताइएगा कमेंट के अंदर। लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल YPM Vlogs को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।